ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, उसके भी अंदर हम लोग लाइट्स के ऊपर बातें कर रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और है को लाइट्स के, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला है ब्राउनियन मोशन। अरे यार, ये दिन में हमारे पड़ोसी और रात को ये जो कुत्ते, ये काम नहीं करने देंगे हमें। अगर हम वेजिटेरियन न होते तो कुत्तों का खून पी जाते हैं। जाने तो हम वेजिटेरियन है, छोड़ दिया। तो ब्रोनियन मोशन की बात करते हैं हम लोग। ब्रोनियन मोशन में होता क्या है कि अगर हमारे पास एक कोलाइडल मिक्सचर है जिसका मीडियम लिक्विड है या गैस है। हम जानते हैं कोलाइडल मिक्सचर में जो मीडियम है सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सॉलिड्स को छोड़ो। अगर एक ऐसा कोलाइडल मिक्सचर है जिसमें मीडियम जो या तो लिक्विड है या फिर गैस है, इन दैट सिचुएशन हम देखते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कभी इधर जा रहे हैं, 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 तो रैंडम पाथ पर। रैंडम पाथ, जिगजैग मोशन। जिगजैग समझते हो ना, किधर जाएंगे कुछ पता नहीं है। जिगजैग मोशन। तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो है रैंडम पाथ पर जिगजैग मोशन करते रहते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल्स के इसी जिगजैग मोशन को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट। जिस बंदे ने पहली बार खोजा था उसके नाम के ऊपर इसका भी नाम रख दिया गया है, ब्राउनियन मोशन। ये मोशन होता क्यों रहता है? तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए। तुम लोग सड़क पर देखो, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, पेड़ों से गिरी हुई सूखी हुई पत्तियां, ये सारे सड़क पर पड़े रहते हैं। और जब जोर से हवा चलती है तो क्या होता है, ये सारे इधर उधर जो है हवा में भागने लगते हैं, फिर वापस जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए तो हवा में इधर उधर भागते ही। क्यों भागे ये हवा में? क्योंकि हवा के अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है। अरे यार, ये सब पढ़ाने नहीं देंगे। हवा के अंदर जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, और पता नहीं किन किन चीजों के मॉलिक्यूल्स है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं पेड़ों के उन छोटी छोटी सूखी हुई पत्तियों पर, टक्कर मारते हैं, कागज के टुकड़े पर टक्कर मारते हैं, और उस टक्कर से क्या होता है, कागज का टुकड़ा या पेड़ों की पत्तियां हवा में थोड़ी देर के लिए ऊपर उठ जाती है, फिर वापस अपने वजन से नीचे गिर जाती है। तो कुछ ऐसा ही कोलाइडल मिक्सचर के अंदर भी होने जा रहा है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनके ऊपर मीडियम के मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी में तुमने गोल्ड सॉल्ट बना रखा है, तो गोल्ड के छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स है और पानी के मॉलिक्यूल्स मीडियम का काम कर रहे हैं, तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स बोले तो पानी के मॉलिक्यूल्स कोलाइडल पार्टिकल पर, बोले तो गोल्ड के पार्टिकल्स पर इधर उधर से चारों तरफ से टक्कर मार रहे हैं। और सब तरफ से अगर टक्कर बराबर लगती तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना टक्कर ऊपर से आया उतना ही टक्कर नीचे से, फोर्स बैलेंस हो जाएगा। जितना टक्कर दाएं से आया उतना ही टक्कर बाएं से आया, फोर्स फिर से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये फोर्स अनबैलेंस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम रहेंगे। और इसकी वजह से जिधर से ज्यादा फोर्स रहेगा उसके हिसाब से पार्टिकल्स को चलना पड़ेगा, तो पार्टिकल्स कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं इधर उधर उसमें घूमते रहते हैं। तो इस वे में जो है ब्राउनियन मोशन काम करता है, पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करते रहते हैं, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और कैसे ये काम कर रहा है, इसके पीछे का फोर्स क्या है? तो मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइडल पार्टिकल्स को लगातार इधर उधर से टक्कर मार रहे हैं, जो कि बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड नहीं है कहने का मतलब जितना टक्कर ऊपर से लगा ठीक उतना ही टक्कर नीचे से नहीं लगा, कम अधिक लगा। तो जिधर से ज्यादा टक्कर लगेगा उधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और मॉलिक्यूल को उस फोर्स के हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ ना कुछ चलना पड़ेगा, और इसी चलने को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन। इसकी वजह से कोलाइड्स को स्टेबिलिटी भी मिलती है। अगर ब्राउनियन मोशन न रहे तो सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। जैसे तुम लोगों ने देखा है ना, वो कागज
कि छोटे छोटे टुकड़े और पेड़ों की पत्तियां हवा में रहते बिल्कुल जमीन पर पड़े रहते हैं, ऊपर नहीं उठते, लेकिन जब हवा जोर से आती है तो वो ऊपर उठ जाते हैं। तो कुछ कुछ वैसा ही ब्राउनियन मोशन का थोड़ा रोल जो है, ये तो नहीं कहेंगे बिल्कुल इसी की वजह से पूरा का पूरा कोलाइड टिका हुआ है, इसी की वजह से पूरा का पूरा कोलाइडल मिक्सचर चल रहा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका भी कोलाइडल मिक्सचर की स्टेबिलिटी में रोल है कि कोलाइडल पार्टिकल सेटल ना होने पाए, ब्राउनियन मोशन इसमें हेल्प करता है। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट को हम सीधे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ना। हमारे पास एक कमरा है, कमरे के अंदर पूरा अंधेरा है, रोशनी के लिए अंदर कुछ बल्ब या कैंडल या कुछ भी जला नहीं रखा है, कमरे के अंदर अंधेरा है और कमरे के बाहर यहां पर सूरज उगा हुआ है। तो सूरज की जो रोशनी है छोटे से छेद से ऐसे अंदर जो है चलती चली आ रही है। तो अगर हम यहां पर खड़े रहे, अगर हम यहां पर खड़े रहे बिल्कुल हमारी आंखें इस तरह से लगी हो, तो हमें जो है इस छोटे से छेद से सूरज जो है सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहां पर कहीं खड़े हैं, हमारी आंखें कुछ इस वे में जो है लगी हुई हैं, तो हमें जो है सूरज तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सूरज की रोशनी किस रास्ते से कमरे के अंदर आगे बढ़ रही है ये रास्ता मेरे को दिखाई पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, रास्ते का दिखाई पड़ना। कौन से रास्ते का दिखाई पड़ना? ये सूरज की रोशनी या लाइट किस रास्ते पर आगे बढ़ रही है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कि जब अंधेरे कमरे में सूरज की रोशनी आगे बढ़ रही है या कोई भी लाइट आगे बढ़ रही है, ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर जो है कैंडल जला दोगे मोमबत्ती तो उसकी लाइट तुम्हें दिखाई पड़ेगी, लाइट थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे पावरफुल बल्ब रहे, पावरफुल टॉर्च रहे, या सूरज की रोशनी तो वैसे ही बहुत पावरफुल होती है, तो थोड़ी इंटेंस लाइट होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रांग लाइट होनी चाहिए। तो ये स्ट्रांग वाली लाइट कमरे के अंदर आ रही है, तुम इधर से देख रहे हो, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि ये रोशनी किस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। क्यों दिखाई पड़ेगा भाई? रोशनी इधर गई, तुम्हारी आंखों पर तो पड़ा ही नहीं। और देखने का जो बेसिक प्रिंसिपल है, किसी भी चीज को देखने का बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है कि अगर तुम कोई चीज देख रहे हो तो इसका मतलब, जैसे ये हाथ हमको अपना हाथ दिखाई पड़ रहा है, तो हो क्या रहा है, बल्ब से रोशनी आई, पहले हाथ पर टकराई और हाथ से टकरा करके हमारी आंखों पर पड़ रही है, तो हमारी आंखों पर हाथ का इमेज बन रहा है, फिर हम हाथ को देख पा रहे हैं। अगर अंधेरा रहे तो क्या हो रहा है, कोई रोशनी हाथ से टकराएगी नहीं, कोई रोशनी मेरी आंखों पर आएगी नहीं और मेरे को हाथ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखने का सीधा सीधा प्रिंसिपल है कि रोशनी उस चीज से टकरा करके तुम्हारी आंखों पर आनी चाहिए। तो जरूर अगर तुम्हें ये रास्ता दिखाई पड़ रहा है तो यहां से कुछ रोशनी तुम्हारी आंखों पर आनी चाहिए। अगर तुम ये देख पा रहे हो मतलब इस यहां से कुछ रोशनी तुम्हारी आंखों पर आ रही होगी, लेकिन रोशनी तो ऐसे जा रही थी ना, फिर तुम्हारी आंखों पर कैसे आ गई? तो ध्यान देना, यहां पर छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स है, जब रोशनी आकर के इन पार्टिकल्स पर टकराती है तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, रोशनी को प्रत्येक दिशा में इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी प्रत्येक दिशा में रोशनी को जो है बिखेर देते हैं, जिसको तुम कहते हो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस पार्टिकल ने सूरज की रोशनी को लिया और लेकर के सभी दिशाओं में उसको बिखेर दिया, जिसे तुम कहते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जब ये लाइट की स्कैटरिंग होगी तो थोड़ी बहुत रोशनी तुम्हारी आंखों पर भी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस रोशनी की वजह से तुम्हें पता चलेगा कि यहां से रोशनी जो है गुजर रही है, तुम्हें ये रास्ता जो है दिखाई पड़ने लगेगा। क्यों दिखाई पड़ने लगेगा? इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो अगर मेरे को सही सही शब्दों में बिल्कुल लिखना ही पड़ जाए व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो हम बोलेंगे व्हेन, लिख देते हैं तुम्हारे लिए ना, व्हेन एन इंटेंस बीम, मतलब स्ट्रांग होना चाहिए,
इंटेंस बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल मिक्सचर. कोलाइडल मिक्सचर, यहां ध्यान देना, ये जो कमरा है यहां कोई कोलाइडल मिक्सचर तो हमने रखा नहीं है, लेकिन हाँ कमरे के अंदर हवा है जो कि मीडियम का काम कर रहा है. छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स का काम कर रहे हैं, राइट. छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, ये पहले ही बोलना चाहिए था, पहले मिस कर गए, लेकिन हवा है और हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं और ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो है ये कोलाइडल साइज के हैं और वही जो है लाइट की स्कैटरिंग कर रहे हैं. तो व्हेन इंटेंस बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल मिक्सचर, तुम स्पेशली ब्रैकेट में लिख सकते हो कैप्टन डार्क, कि मिक्सचर जो है डार्क में रखा होना चाहिए, बिल्कुल आसपास बहुत ज्यादा रोशनी रहेगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा. व्हेन एन इंटेंस बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल मिक्सचर द कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट. स्कैटर द लाइट, कोलाइडल पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, इधर उधर बिखेर दे रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट. वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट. दिस इवेंट ऑफ विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब दिखाई पड़ना, विजिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट, विजिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट By collidal particles is known as Tyndall effect. बस यही छोटा सा पॉइंट है कि विजिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, यही मेन सेंटेंस है ना, इस चीज को मत भूलना, इसी को Tyndall effect कहते हैं. बाकी तो उसका रीजन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसकी वजह से दिखाई पड़ता है, तो रीजन हुआ ना, ये है Tyndall इफेक्ट, विजिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट, कि तुम्हें लाइट का रास्ता दिखेगा, कि लाइट कैसे कैसे रास्ते से आगे बढ़ रही है, इसी को Tyndall इफेक्ट कहते हैं. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, जैसे रात को तुम सड़क पर निकलो और सड़क पर थोड़ी ज्यादा डस्ट हो तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि जो व्हीकल्स, जो गाड़ियां सड़क पर पास हो रही है उनका लाइट किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वो भी तुम्हें दिखाई पड़ेगा, ये भी Tyndall इफेक्ट है. जाड़े की रात हो, कोहरा थोड़ा अच्छे से हो, तुम एक टार्च लेकर के छत पर चढ़ जाओ और टार्च की रोशनी ऊपर की तरफ तुम थ्रो करो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि टार्च की रोशनी किस रास्ते पर आगे बढ़ रही है, तुम देख सकते हो. तो ये सारे Tyndall इफेक्ट. आसमान का रंग नीला होता है, क्यों नीला होता है, क्योंकि ऊपर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है, उन नीले रंग को तुम्हारी आंखों की तरफ मोड़ दे रहे हैं. बाकी सभी रंगों को उतना ज्यादा नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन नीले रंग को, मे बी सूरज की रोशनी में नीला रंग होता ही ज्यादा हो, तो वो सूरज की रोशनी में जो नीला रंग है उसको तुम्हारी आंखों की तरफ मोड़ पाने में सक्सेसफुल हो रहा है. सूरज कुछ ऐसे है, धरती पर तुम कुछ यहां पर खड़े हो, सूरज कहीं इधर है. मोस्ट ऑफ द टाइम सूरज जो है हमसे कुछ तिरछे एंगल पर रहता है, ऐसा नहीं बिल्कुल सिर के ऊपर हमेशा रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सूरज जो है इधर उधर तिरछा रहेगा. तो सूरज की रोशनी ऐसे आ रही है, तुम्हारी आंखों पर तो पड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, यहाँ बीच में डस्ट पार्टिकल मिल गया, उसने सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा तुम्हारी तरफ मोड़ दिया. कौन सा हिस्सा मोड़ा, नीला वाला, और इस वजह से पूरा आसमान तुम्हें नीला नीला दिखाई पड़ता है, बाकी के रंग आगे निकल गए या इधर उधर बिखर गए, नीला रंग तुम्हारी तरफ. तो सूरज की रोशनी की वजह से तुम्हें आसमान जो है नीला नीला दिखाई पड़ता है, तो तुम्हें लगता है कि ऊपर कुछ नीले रंग का चिपका हुआ है, कुछ नहीं है ऊपर, बस खाली जगह ढेर सारी खाली जगह है, और उस खाली जगह में से सूरज की रोशनी पास हो रही है, और उस रोशनी को तुम्हारी आंखों पर, जब ये रोशनी तुम्हारी आंखों पर पड़ेगी तो तुम्हें दिखेगा, तो रोशनी का जो है
नीला वाला हिस्सा तुम्हारी आंखों की तरफ दिखाई पड़ तुम्हारी आंखों पर पड़ता रहता है, तो तुम्हें जो है नीला नीला आसमान दिखाई पड़ता है। तो ये सारे हो गए टिंडल इफेक्ट्स के एग्जांपल्स। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ये क्या चीज है भाई? तो जैसे अपने पास एक कोलाइडल मिक्सचर है, जैसे गोल्ड सॉल ही है, हम लोग जानते हैं गोल्ड सॉल में क्या होता है, वाटर होता है और वाटर के अंदर छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड के बने हुए, और इन पार्टिकल्स पर निगेटिव चार्ज होता है। गोल्ड सॉल में पार्टिकल्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लटका दो, मतलब एक मेटल की प्लेट लगा दो वायर के थ्रू, इसको बैटरी के माइनस और बैटरी के प्लस वोल्ट से तुम जोड़ दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगेगा यहां से यहां तक। तुम देखोगे कि अगर इस पर निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज होता तो उधर की तरफ गया होता। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और इसी को तुम नाम दे देते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, और यही एक्सपेरिमेंट हम थोड़ा दूसरे सेटअप में करें। सपोज हम एक ऐसा ट्यूब बना ले, एक ऐसा यू के जैसा, यू के शेप का वैसा एक ट्यूब बना ले, और यहां पर फिर से कह दो हमने जो है कुछ गोल्ड सॉल भर दिया है। गोल्ड सॉल क्या होता है? पानी में बना हुआ गोल्ड के छोटे छोटे गोल्ड के कोलाइडल पार्टिकल्स होते, तुमने यहां पर भर दिया, और फिर से दो इलेक्ट्रोड लटका दिए तुमने, एक को बैटरी के माइनस पोल से, और इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, एक को बैटरी के माइनस पोल से और दूसरे को जो है बैटरी के प्लस पोल से ले जाकर के जोड़ दिया, और यहां पर छोटे छोटे गोल्ड के कोलाइडल पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो तुम देखोगे ये पार्टिकल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तुम्हें भागते हुए समझ में आएंगे। हालांकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पार्टिकल्स निगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव साइड में भागते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि गोल्ड सॉल जो है वो न्यूट्रल होता है, मतलब गोल्ड सॉल के ऊपर जैसे हम एक बॉटल में गोल्ड सॉल भर करके लाए, तो उस पर न तो कोई निगेटिव चार्ज है न तो कोई पॉजिटिव चार्ज है। मतलब अगर पार्टिकल्स पर निगेटिव चार्ज है तो जो मीडियम है मीडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक उल्टा, और यदि पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम पर निगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो मीडियम है, जो पानी है, पानी के अंदर दूसरे आयंस घूम रहे हैं, दूसरे जैसे यहां पर निगेटिव चार्ज है तो पानी के अंदर ढेर सारे पॉजिटिव आयंस भी घूम रहे होंगे जो निगेटिव और पॉजिटिव के बैलेंस को बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि मीडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो कोलाइडल पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज और मीडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज, तो हम लोग ये देखते हैं कि मीडियम इधर से इधर भागने की टेंडेंसी रखेगा। कोलाइडल पार्टिकल इधर भाग रहे हैं निगेटिव चार्ज की वजह से, तो जो मीडियम है मीडियम जो है इस डायरेक्शन में इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो जब मीडियम इधर से इधर की तरफ भागेगा तो क्या होगा, ये लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और ये लेवल थोड़ा नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये जो पाइप है अपनी ओपन पाइप है, तो इस पाइप में ये ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी ऊपर चढ़ेगा वापस नीचे इसको फिसल जाना है। तुम क्या करो, बीच में एक यहां पर कुछ बैरियर लगाओ, जैसे हम यहां पर लगा सकते हैं क्ले प्लग क्या है, मिट्टी, क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी से बना हुआ है, हमने एक छोटा सा बैरियर बना दिया। कुछ अच्छी वाली मिट्टी लाएंगे, कहीं से भी कूड़ा कचरा वाली मिट्टी नहीं उठा लाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मिट्टी को अच्छे से साफ सुथरा करके, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट में वो बाधा न डाले, तो हमने मिट्टी का एक प्लग बना दिया। वो क्या करेगा, कोलाइडल पार्टिकल्स को इधर उधर जाने से रोकेगा, लेकिन मीडियम को नहीं रोकेगा। तो मीडियम इधर से उधर जो है अगर जोर लगाए तो उधर से उधर जा सकता है, तो जाएगा तो क्या होगा, तुम देखोगे कि ये हाइट थोड़ा ऊपर चढ़ गया और डेफिनेटली ये हाइट थोड़ा नीचे गिर जाएगा,
ये वापस नीचे फिसल सकता है, लेकिन ये पीछे जो मिट्टी वाला बैरियर तुमने लगाया है इसको तेजी से फिसलने से तो कम से कम रोकेगा। धीरे धीरे फिसलते फिसलते फिर से दोनों बराबर लेवल पर आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार ऊपर चढ़ गया तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो ये इस बात का प्रूव है कि नहीं, मीडियम भी मूव कर रहा है, केवल पार्टिकल्स ही नहीं मूव कर रहे हैं बल्कि मीडियम भी मूव कर रहा है। तो मीडियम के इसी मूवमेंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ द मीडियम ऑफ अ कोलाइडर मिक्सचर। मूवमेंट ऑफ द मीडियम ऑफ कोलाइडर मिक्सचर इन इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोलाइडर मिक्सचर का जो मीडियम है वो भी मूव कर रहा है। और पार्टिकल्स का मूवमेंट तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन मीडियम का मूवमेंट समझ में आएगा, क्योंकि एक तरफ ये लेवल नीचे हो जाएगा, एक तरफ ये लेवल ऊपर हो गया, मतलब मीडियम इधर की तरफ चल रहा था। तो मीडियम का मूवमेंट हमने समझ लिया तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मीडियम पर कैसा चार्ज था। तो अगर हम कह रहे हैं कि मीडियम निगेटिव साइड में भाग रहा है तो मतलब मीडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, और यदि मीडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तो कोलाइडर पार्टिकल्स के ऊपर निगेटिव चार्ज रहा होगा। तो इस वे में जो है हम लोग कोलाइडर पार्टिकल्स का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव, इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हैं। ठीक, तो बस इस क्लास में हमने इतनी ही प्लानिंग करी थी, बस इतना ही बात हम लोगों को करना था। तीन चार छोटे छोटे पॉइंट्स, जिसमें एक था अपना ब्राउनियन मोशन, दूसरा हुआ टिंडल इफेक्ट, और तीसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो फिर मिलेंगे हम लोग दूसरी क्लास में, बातें और भी होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।